स्टार्ट किया था सेकंड लेसन साइंस का, जिसका नाम था वर्क एंड एनर्जी। उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पावर के बारे में सीखा और एक हम लोगों ने सम भी सॉल्व किया था। अभी जितना भी रिमेनिंग सम है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये सम देखो जो आपके टेक्स्ट बुक में है एक्सरसाइज में क्या बोला है उन्होंने, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका बार कितना है 1200 वाट, इतना उसका बार है। और हम लोग उसको डेली यूज करते हैं फॉर 30 मिनट्स, डेली यूज करते हैं फॉर 30 मिनट्स। कितना टाइम है 30 मिनट्स। हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन अ मंथ ऑफ अप्रैल, ओके। तो वो पूछ रहे हैं कि हम लोग अगर एक हम लोग के पास इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका पावर 1200 वाट है, उसको हम लोग डेली 30 मिनट्स यूज करते हैं, तो ये पूरे अप्रैल मंथ में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा ये इलेक्ट्रिक आयरन, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, अभी जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, ओके, तो उसका आंसर का यूनिट ऑलवेज किलोवाट आवर्स में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? किलोवाट आवर्स, यानी पावर किसमें होना चाहिए? किलोवाट में होना चाहिए। यहां पे देखो वाट में दिया है। टाइम किसमें होना चाहिए? आवर्स में होना चाहिए। यहां पे देखो किसमें दिया है? मिनट्स में दिया है। Okay, तो ये आपको याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके आपको क्वेश्चन आएगा तब आपको याद रखना है आपका जो पावर दिया रहेगा वो वाट में ना होके किलो वाट में होना चाहिए एंड टाइम आवर्स में होना चाहिए, क्योंकि इसका यूनिट है किलो वाट आवर्स, ऐसा उसका यूनिट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग गिवन लिखते हैं क्या क्या है। तो गिवन में फर्स्ट हम लोग को दिया है पावर, कितना दिया है 1200 वाट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग वाट का किलोवाट करेंगे, ओके। तो वाट छोटा यूनिट है किलोवाट से, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है 1000 वाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। तो यहाँ पे हम लोग को छोटे यूनिट का बड़े में कन्वर्जन करना है, वाट का किलोवाट में कन्वर्जन करना है, तो हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे इसे। क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड, तो 1200 अपॉन 1000 अपॉन 1000 किलो वैट, किलो वैट, ओके। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो एक दो गया, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा 1.2 किलो वैट, 1.2 किलो वैट, कितना आया 1.2 किलो वैट, पार कितना हो गया 1.2 किलो वैट, 10 से 12 को डिवाइड किया तो आंसर आया 1.2 किलो वैट, ओके। उसके बाद उन्होंने दिया एक टाइम, वो भी दिया है उन्होंने 30 मिनट्स दिया है, ओके। टाइम उन लोग का किस में होना चाहिए? आवर्स में होना चाहिए, हमेशा याद रखना। टाइम यहाँ पे नॉर्मली टाइम सेकेंड्स में होता है, मगर जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके आता है तब टाइम आवर्स में होना चाहिए, ओके। तो 30 मिनट्स, ओके, उसको अगर हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 30 किससे डिवाइड करेंगे 30 अपॉन 60 ओके 60 से डिवाइड करेंगे, जीरो गया, 6 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 0.5 आवर्स, कितना आंसर आया 0.5 आवर्स, कितना आंसर है किसका? टाइम का, ओके। एंड नंबर ऑफ डेज दिया है, नंबर ऑफ डेज, अभी अप्रैल में कितना डेज रहता है वो आपको पता होना चाहिए, अप्रैल में कितना डेज होता है 30 डेज, नंबर ऑफ डेज कितना 30 डेज, नंबर ऑफ डेज कितना है 30 डेज, तो पी टाइम एंड नंबर ऑफ डेज। अभी मुझे क्या करना है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया किसने, इलेक्ट्रिक आयरन ने, वो फाइंड आउट करना है। वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? पावर टाइम एंड नंबर ऑफ डेज का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे वो आएगा, ओके। कितना पावर का है 1.2, कितना टाइम यूज कर रहा हो 0.5 आवर्स, कितना डेज यूज कर रहा हो 30 डेज, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा, सबका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल एनर्जी कंज्यूम, टोटल एनर्जी कंज्यूम किसने कंज्यूम किया है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक आयरन, तो आप ऐसा लिख सकते हो टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक आयरन, बाय इलेक्ट्रिक आयरन, ओके। तो कितना आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो इज इक्वल टू 1.2 इनटू टाइम कितना आया 0.5 इनटू नंबर ऑफ डेज 30,
अभी इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 1.2 इसको मैं 12 अपॉन 10 लिखता हूँ, थोड़ा सिंपल करता हूँ, 12 अपॉन 10 ऐसा लिखता हूँ। क्यों? इधर देखो एक डिजिट से यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट किया, ये पॉइंट यहाँ जाके यहाँ से यहाँ पे गया तो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बढ़ेगा। ये देखो यहाँ पे भी मैं एक डिजिट से पॉइंट शिफ्ट करता हूँ तो लिखूंगा यहाँ पे 5/10 × 30, जीरो गया जीरो गया। ओके ये देखो ये 5 है, 5 1 5 2 10, ये 2 है, 2 से फिर से इसको डिवाइड होगा, 2 1 2 6 0। ओके तो कितना आया, 6 × 1 × 3 तो कितना आया 18 किलो वैट आवर्स, किलो वैट आवर्स। तो कितना एनर्जी कंज्यूम किया, 18 किलो वैट आवर्स। अभी इस किलो वैट आवर्स को और एक नाम है, उसका नाम है यूनिट। क्या है उसका नाम? यूनिट। तो कितना एनर्जी कंज्यूम किया, 18 यूनिट, इतना एनर्जी कंज्यूम किया, कितना एनर्जी, 18 यूनिट। अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो आंसर उसका 18 यूनिट ही है। ओके तो फिर से वर्डिंग में लिखना है आपको कितना एनर्जी कंज्यूम किया, 18 यूनिट। ओके द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक आयरन इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज 18 यूनिट। देखो कैसा सॉल्व किया है, यहां पे थोड़ा सिंपलीफिकेशन किया है जिससे डिवाइड करने के लिए आसान होगा, आप चाहिए तो यहां पे आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। ओके तो ये सब यहां पे एकत्र होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट सर मैं देखो क्या दिया उन्होंने, इधर एनर्जी ऑफ द बॉल फॉलिंग फ्रॉम द हाइट 10 मीटर। ओके यानी कि बॉल यहां से गिर रहा है जिसका ग्राउंड से, ये ग्राउंड है उससे हाइट कितना है यहां पे 10 मीटर, ये पूरा हाइट 10 मीटर है। ओके इज रिड्यूस्ड बाय 40%। ओके तो यहां पे उस बॉल के अंदर एक सर्टेन एनर्जी है। ओके तो जब ये बॉल इस हाइट से नीचे गिरता है तब उसका जो एनर्जी है वो इस एनर्जी से, ये जो एनर्जी है इस पोजीशन पे उस एनर्जी से कितना रिड्यूस होता है, 40% से रिड्यूस होता है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग के पास 100% एनर्जी है तो जब ये बॉल गिरेगा इतने हाइट से तब उसका एनर्जी 40% से डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। हाउ विल इट रिबाउंड, अभी ये बॉल नीचे आएगा ग्राउंड सरफेस पे, यहाँ पे टकराएगा और फिर से क्या जाएगा ऊपर, यानी ऊपर से बॉल छोड़ा है नीचे जाएगा, जब नीचे जा रहा है उसका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है 40% से, जो एक्चुअल एनर्जी है उससे 40% से डिक्रीज हो रहा है और फिर से वो ऊपर चला जाएगा। ओके तो अभी ये फिर से ऊपर कितने हाइट पे जाएगा वो हम लोग को फाइंड आउट करने का है, यानी हम लोग को सेकेंड हाइट फाइंड आउट करने का है। एक हाइट तो दिया है 10 मीटर, जिस हाइट से छोड़ा नीचे गया यहाँ से फिर से रिबाउंड हुआ, फिर से वो कितने हाइट पे जाएगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ओके तो हम लोग पहला यहाँ पे गिवन लिखेंगे, तो गिवन में ओके हाइट, हाइट वो है h1, वो कितना है 10 मीटर, हाइट h1 वो कितना है 10 मीटर, और यहाँ पे अभी बॉल सर्टन हाइट पे है तो उसके अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी है बिकॉज ऑफ इस स्टेट, बिकॉज ऑफ इस पोजीशन, वो एनर्जी होता है कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो सर्टन हाइट पे, कितने हाइट पे 10 मीटर पे, तो उसके अंदर का एनर्जी रहेगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और बाद में ये एनर्जी कम होता है बाय 40% बाय गोइंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ या फिर टुवर्ड्स द ग्राउंड। ओके तो उसका पोटेंशियल एनर्जी PE2, ये सेकंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके वो कितना है हम लोग बोल सकते हैं कि PE1 माइनस 40% ऑफ PE1। ओके अभी ये कैसा, यहां पे देखो PE2 यानी वो रिड्यूस होने वाला एनर्जी। ओके अभी वो क्या है 40% से रिड्यूस होता है, किसके एनर्जी से, जो यहां पे एनर्जी ये हो गया यहाँ पे है वो है PE1, ये वाला एनर्जी जो हम लोग को पता नहीं, एक सर्टर है। ओके उससे जब ये बॉल नीचे गिरेगा तब उसका एनर्जी रिड्यूस होता है, कितना परसेंट से, 40% से, किसके 40% से, इस एक्चुअल एनर्जी के 40% से रिड्यूस होता है। तो ये रिड्यूस होने वाला एनर्जी यानी कौन सा एनर्जी, PE2, कौन सा है PE2। ओके 40% से किससे रिड्यूस होता है, इस ओरिजिनल
एनर्जी से ही रिलीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे गिवन में ही। देखो तो PE2 is equal to यहाँ पे देखो PE1 यहाँ पे भी PE1 ये आप लोग ऑफ निकाल लेते हो PE 40% PE1 ओके। तो यहाँ पे देखो PE1 कॉमन है ओके ठीक। तो ये गिवन में लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम लोग ये वाला आगे का पार्ट दिखाते हैं ओके। तो हम लोग के पास H1 है उसके बाद PE2 है। अभी यहां से हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे ओके। तो कैलकुलेशन में हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं। क्या है हम लोग के पास PE2 is equal to PE1 minus 40% of PE1 40% of PE1 ओके okay? तो अभी यहां पे देखो PE2 यहां पे मैं कॉमन निकालूंगा। क्या कॉमन निकालूंगा PE1 कॉमन निकाला ओके okay? तो यहां पे क्या आएगा 1 माइनस 40% यानी क्या 40 upon 100 यानी 40 upon 100 PE1 कॉमन निकला तो यहां पे 1 बच जाएगा वो लिखा है ये माइनस 40 upon 100 40%। तो ये PE1 1 माइनस ये गया 0 ये गया 0 10 से इसको डिवाइड करो आंसर आएगा 0.4 आंसर आएगा 0.4 10 से इसको डिवाइड किया 4 को तो आया आंसर 0.4 ओके okay, तो PE2 is equal to PE1 1 minus 0.4। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं 1 minus 0.4 कैसे डिवाइड करना चाहिए 1.0 minus 0.4। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं ये 4 है 0.4 वो इधर लिख देते हैं वो गलत है ओके। तो आंसर आता है 0.6। क्या है आंसर 0.6 ओके। तो 0.6 PE1 आंसर आया 0.6 PE1 किसका PE2 का ओके। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने का है H2 फाइंड आउट करने का है। क्या फाइंड आउट करने का है H2 ओके। तो इसको रिकलेक्ट करके ले लो क्या क्या दिया है हम लोगों ने गिवन लिखा और ये यहाँ पे PE2 अब तक हम लोगों ने एक्चुअल सम स्टार्ट नहीं किया फिर पहला PE2 फाइंड किया। अभी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन यहाँ पे एंड बाय डिक्रीजिंग यानी PE1 एंड PE2 पोटेंशियल एनर्जी 1 एंड पोटेंशियल एनर्जी 2 पोटेंशियल एनर्जी 1 एंड एट हाइट 10 पोटेंशियल एनर्जी 2 यानी व्हाइल गोइंग डाउन ओके। तो मेरे पास दो फार्मूलास है कौन सा दो फार्मूला एक है PE1 is equal to MgH1 MgH1 H1 यानी हाइट वहां का एनर्जी यानी E1 पोटेंशियल एनर्जी मास एंड ग्रेविटी सेम रहेगा ओके। नेक्स्ट है PE2 is equal to MgH2 MgH2 पोटेंशियल एनर्जी 2 व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द अर्थ या फिर ग्राउंड ओके। उस वो हाइट आएगा H2 जब वो रिबाउंड होगा उसको लिया हम लोगों ने H2 मास एंड ग्रेविटी सेम रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे यहां पे हम लोग डिवाइड करेंगे ये हम लोग का सपोज ये सेकंड इक्वेशन है ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है। अभी हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे PE2 को किससे डिवाइड करेंगे PE1 से ओके okay? तो देखो यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं डिवाइड करने के लिए तो PE2 upon PE1 is equal to PE2 क्या है MgH2 upon ये क्या है MgH1 ओके okay? यहां पे देखो Mg Mg चला गया ओके okay? यहां पे देखो क्या है PE2 मेरे पास PE2 का वैल्यू है क्या है 0.6 PE1 तो मैं नेक्स्ट इक्वेशन में वो वैल्यू डालूंगा 0.6 PE1 ये देखो यहां पे वैल्यू डाला कहां से वैल्यू आ रहा है ये वाला ओके okay? नीचे क्या है PE1 ये यहां पे क्या बचा है H2 जो मुझे पता नहीं है यहां पे क्या बचा है नीचे H1 जो मुझे पता है कितना है 10 ओके okay? यहां पे देखो PE1 PE1 चला गया PE1 PE1 चला गया। अभी देखो ये जो 10 यहां पे डिवाइड में है इधर आके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में
यहाँ पे क्या है ऊपर H2, तो H2 इक्वल टू क्या आएगा इसके आगे वाला स्टेप, H2 इक्वल टू क्या आएगा 0.6, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, ओके। तो H2 इक्वल टू 10 × 0.6, तो कितना आता है H2 इज इक्वल टू 6 मीटर, H2 इज इक्वल टू 6 मीटर, ओके। तो यहाँ पे क्या किया है वो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे PE2 निकाला, बाद में ये दो फॉर्मूलाज, दो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करो, कैंसिलेशन करो, आंसर आएगा 6 मीटर। कितना आंसर आया 6 मीटर, तो ये कितना रिबाउंड होगा 6 मीटर से रिबाउंड होगा। नेक्स्ट सम अगर आप देखोगे तो ये है, द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेस, ओके, फ्रॉम 50 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कार का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी है 50 किलोमीटर पर आवर और वो इंक्रीज हो रहा है, उसका फाइनल वेलोसिटी हो रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 केजी, अगर उस कार का मास 1500 केजी है तो उस कार ने ये जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है उस टाइम में उसने कितना वर्क डन किया रहेगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ओके। अभी हम लोग यहां पे वर्क डन फाइंड आउट करते वक्त हम लोग यूज करेंगे यहां पे फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है जितना एनर्जी उतना ही वर्क डन, वर्क डन एंड एनर्जी दोनों क्या रहते हैं सिमिलर, तो हम लोग यहां पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे। क्यों काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि देखो यहां पे वेलोसिटी दिया है, यानी ऑब्जेक्ट मोशन में, कार क्या है मोशन में, तो उससे पहले हम लोग लिख के लेते हैं क्या क्या दिया है, ओके। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी दिया है, एक 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरा दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो हम लोग को फाइंड आउट करने का इन दोनों के बीच का, यानी 54 से जब वो 72 टच हुआ तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसमें उसने कितना वर्क किया है वो फाइंड आउट करने का। उस कार ने 54 से 72 जब उसका वेलोसिटी हुआ तो ये जो डिफरेंस है दोनों का उसके बीच में कितना वर्क किया है वो फाइंड आउट करने का। तो उससे पहले मैं लिखूंगा गिवन, ओके, गिवन में हम लोग क्या क्या है हम लोग के पास, तो आप देखोगे गिवन में इनिशियल वेलोसिटी है जो है u, ओके। क्या दिया है उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, कितना दिया है, कितना दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, ये दिया है, ओके। वेलोसिटी देखो किलोमीटर पर आवर में कभी भी नहीं होता, वेलोसिटी ऑलवेज इन द मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो यहां पे कन्वर्जेंस है, ओके। थोड़ा डिफिकल्ट कन्वर्जन है मगर देखो आप यहां पे देखो, पहला मैं क्या करूंगा, ये किलोमीटर है वो मुझे मीटर में चाहिए, ओके। तो बड़ा यूनिट छोटे यूनिट में, किलोमीटर का मीटर में, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 50 किलोमीटर इज इक्वल टू 54000 मीटर, 54000 मीटर, ये क्या हो गया मीटर। अभी ये नीचे मेरा आवर्स है, ओके, आवर्स को मुझे किस में कन्वर्ट करना है सेकंड, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो दो बार 60 यानी 60 × 60, पहला मिनट और उसके बाद ये सेकंड्स, तो ओके 60 × 60, ओके, इसके लिए दो बार 60 लिखा, क्योंकि आवर्स का पहला मिनट और मिनट का बाद में सेकंड्स, ओके। तो ये हो गया सेकंड्स, एक ये देखो यहां पे जीरो गया जीरो गया जीरो गया जीरो गया, ओके। ऊपर कितना बच गया 540, नीचे कितना बच गया 12, अगर हम लोग इसको ठीक से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आंसर आएगा, ये देखो आप इसको डिवाइड करो 6 × 1 = 6 × 9, ओके ये आया 0, ओके। फिर से 6 से इसको डिवाइड करो 6 × 1 कितना बचा 36 × 5, ओके। तो इसका आंसर आता है 15 m/s, 15 m/s। सिमिलरली आपको फाइनल वेलोसिटी दिया है, कौन सा वेलोसिटी दिया है 72 km/h, इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करना है 72000 / 60 × 60, जीरो गया जीरो गया जीरो गया जीरो गया, ओके। अभी ये कितना है 6, ओके, तो 6 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा आंसर 6 × 1 = 6 × 2, ओके 12 आया। फिर से 6 से उसको डिवाइड करो, ओके ये 0, 6 से फिर से डिवाइड करो, तो 6 × 2 =
ये आ गया जीरो। तो आंसर आता है ठीक से अगर आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो आपका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। 6 से पहला 720 को डिवाइड करो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको फिर से ये 6 बचा है उससे डिवाइड करो, आंसर आया 20 मीटर पर सेकंड। ओके, और क्या दिया है यहाँ पे देखो, मास दिया है। ओके, वो किस में दिया है, केजी में। तो मास केजी में चाहिए, मास ग्राम में नहीं चाहिए, तो वो मास केजी में मगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चाहिए। ओके, अभी उस कार ने कितना वर्क किया, मगर कौन सा वर्क, जब उसका वेलोसिटी यहां से यहां तक जाता है 15 से कितना जाता है 20 तक जाता है। ओके, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो वर्क इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का। क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के पास दो दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल ये फाइनल। तो मुझे जो चेंज इन वेलोसिटी है इन दोनों के बीच का जो चेंज इन वेलोसिटी है 15 से 20 गया, ओके, वो चेंज इन वेलोसिटी का वर्क डन का निकालना है। इसका वर्क डन नहीं निकालना है, इसका नहीं निकालना है, इन दोनों के डिफरेंस का वेलोसिटी निकालना है। तो डिफरेंस हम लोग कैसा लेते हैं, लार्ज रहता है उससे स्मॉल माइनस करते हैं। ओके, तो मेरा ये हो गया v वाला वेलोसिटी यानी हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ये मेरा है u, तो है हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो हाफ कॉमन, ओके एम कॉमन निकला, अंदर है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अंदर v2 - u2। अभी मुझे v का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, क्या क्या वैल्यू पता है ये देखो, half into m का भी पता है, m का कितना है 1500, v का वैल्यू पता है मुझे 20, ओके 20, मगर उस 20 का स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है, उसके बाद 15 भी पता है तो उसका भी स्क्वायर। ओके, तो ये देखो हाफ इंटू 1500 इंटू 20 का स्क्वायर कितना आता है 400, 15 का स्क्वायर कितना आता है 225। ओके, अभी अगर आप इसको 400 को 225 माइनस करोगे 400 में से तो आपका आंसर आएगा हाफ इंटू 1500 इंटू आपका आंसर आता है 175 इन माइनस करके। अभी आपको क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करो 1500 को, क्या करने का हम लोग को डिवाइड करने का। ओके, तो इसको इससे डिवाइड करो, 2 1 2 7 14। ओके, नेक्स्ट 2 5 और ये 0, तो ये 750 आया। अभी आपको मल्टीप्लाई करना है 750 इनटू 175, ये आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 750 इनटू 175। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर आएगा इसका 131250 जूल। तो कितना आया आंसर 131250। ठीक से इसका मल्टीप्लिकेशन करो 750 इनटू 175। मल्टीप्लिकेशन इस स्टेज पे आपको सिखाना नहीं पड़ना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए, बीच में जो रहेगा वो सिखाना चाहिए। तो ये जितना भी है कैलकुलेशन वो हम लोगों ने यहाँ पे दिखा है, सिर्फ आखिर में ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, आपको ये आंसर आएगा। अभी आता है लास्ट सम है जो बहुत ही इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। क्या दिया है देखो, अप्लाई फोर्स, यानी देखो गिवन लिखते जाते हैं हम लोग, फोर्स, फोर्स कितना दिया है कैपिटल एफ 10 न्यूटन दिया है। ओके, मोड ऑफ बुक 30 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। मगर हमेशा याद रखो डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेंटीमीटर नहीं मीटर में होना चाहिए। ओके, तो 30 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन, देखो कन्वर्जन आपको बहुत ठीक से पता होना चाहिए और यूनिट भी पता होना चाहिए किसका क्या यूनिट है। अगर आप सॉल्व करते गए आंसर जीरो आएगा आपका। ओके, जीरो मार्क्स मिलेगा आपको, कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा सॉल्व करके। तो कन्वर्जन सबको पता होना चाहिए, तो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट मीटर में होना चाहिए। तो सेंटीमीटर का मीटर करना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर छोटे यूनिट का बड़े यूनिट में कन्वर्जन करते हो हमेशा डिवाइड करना, तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से मीटर। ओके,
ओके तो कितना आएगा, जीरो गया जीरो गया, कितना आया 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। ओके तो मेरे पास F है, S है, क्या फाइंड आउट करने का है, वर्क डन, क्या फाइंड आउट करने का है, वर्क डन। सिंपल फॉर्मूला F into S, वर्क डन का फॉर्मूला है F into S, F कितना है 10, S कितना आया 0.3, तो वर्क डन कितना आया 3, वर्क डन कितना आया 3 जूल। ओके तो रवि ने किया हुआ वर्क डन कितना है 3 जूल। सिंपल है, ये 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है, और प्रीवियस के जितने भी सम सीखे वो मे भी आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, व्यू थोड़े बड़े, ये 2 मार्क्स के लिए। तो वर्क डन बाय रवि इज 3 जूल। ओके तो यहाँ पे हम लोग के जितने भी सम्स है वो खत्म होते हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर वाले सम सॉल्व करके दिए हुए, वो आपको ट्राई करना।